अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो हमने रिवाइज करना है वो है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम इसको पहले भी कर चुके हैं और मेरा ख्याल है कि इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग भी हुई थी, बट आई एम नॉट श्योर, सो दिस इज़ व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू कवर इट अप अ बिट। तो कोसेंकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डाटा हमारे पास गिवन है और यहाँ पर टिपिकल इनकम स्टेटमेंट गिवन है, उसके बाद हमारे पास जो है बैलेंस शीट की कुछ अकाउंट्स गिवन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के हम कई मरतबा इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि तीन पार्ट्स में यूजुअली ब्रेक होती है। पहला आपका होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकेंड आपका होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और उसके बाद आपका आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब एक सेकेंड मैं इसको भी बोल्ड कर दूँ। अच्छा जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल्स, कोई लॉसेस हुए होते हैं किसी सेल के अंदर, इन सब चीज़ों को हम अकोमोडेट कर रहे होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यूजुअली भी ऐसे होता है कुछ क्वेश्चंस में, कुछ अगर हमें एक्स्ट्रा डाटा दिया होता है तो फिर उस केस में वी हैव टू सी। और मेरा ख्याल है हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के हर अकाउंट को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सो यू गाइज ऑलरेडी वुड हैव एन आइडिया अबाउट इट। अच्छा जी, इस टिपिकल क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें तो वी ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद नेट इनकम। ठीक है, अच्छा एक जो मेथड हमने किया है उसको उसकी हम बात कर रहे हैं। तो नेट इनकम हमने यहाँ पे ये लिख दी 430, जो कि यहाँ से आ गई। देन कम्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विच इज 880, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, ये हमें कैसे पता चला, हमने 2 सालों को कंपेयर किया, ये रिसीवेबल्स थे 610775, तो इंक्रीज हो रहे हैं, तो वे सिंपली माइनस इट। ठीक है, अब उसके अंदर हमें जो है एक चीज हमें हमेशा ये देखिए कि एसेट जब भी बढ़ेगा, ठीक है, तो नेगेटिव साइन आएगा, और अकाउंट्स पेबल या मतलब जितने भी हमारे पेबल्स हैं जब वो बढ़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा। उसकी रीज़न क्या थी, उसकी रीज़न ये थी कि रिसीवेबल्स हैं लेकिन हमें अभी तक मतलब एसेट तो है लेकिन इन फॉर्म ऑफ कैश हमें रिसीव नहीं हुआ है, दिस इज वाई इट्स नेगेटिव। और पेबल ऑब्वियसली हमने देने लेकिन कैश गया नहीं है, लेकिन हम डिडक्ट कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से ये उल्टा यहाँ पे हम एडजस्टमेंट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, बट आई एम यूजिंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इन अकाउंट्स को हम एडजस्ट करते हैं इस तरीके से। अकाउंट्स पेबल इसी तरीके से यहाँ पे था, इसको हमने माइनस कर दिया, इसमें से इंक्रीज हो रहे हैं तो पॉजिटिव रहेंगे। लॉस इन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, ये हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है, इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट लॉस, ये आपका $24,000 का दिया हुआ है। लॉस को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ऐड करने की वजह ये है कि हमने जो इसकी ओवरऑल आपकी जो मशीनरी थी उसको हमने एडजस्ट कर दिया हुआ है और ये लॉस है। तो जितने की लेट से इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने टोटली खरीदी फिर उसको हमने उसको बेचा, तो उस दरमियान जो लॉस हुआ वो था ये, लेकिन इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं हुआ, हमने मशीनरी यूज़ की तो वो वहाँ पे तो डिपिक्टेड था, तो एक तरह से उसकी अगेन आई एम सेइंग एडजस्टमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज एन एसेट अकाउंट, ठीक है, तो ये जब हमारी डिक्रीज होगी तो ये पॉजिटिव होगा, एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो नेगेटिव होगा, जब भी डिक्रीज होगा तो पॉजिटिव होगा। अच्छा जी, ये फिर हमने यहाँ पे टोटल कर लिया है इसका, आपके जितनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं और देन इनकम में से इसको इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये बैलेंस आ गया। देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जो भी हमारा मशीनरी होती है, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट होता है, ये हमारा यूजुअली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। यहाँ पे मशीनरी सेल हुई थी, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी फॉर दिस अमाउंट ऑफ कैश,
इतने की सेल हुई थी तो हमने इसको पॉजिटिव रख दिया। क्यों सेल हो रही है? अगर परचेज हो रही होती मशीनरी तो हम नेगेटिव, जो कि हुई भी है इस केस में। ये इसी के आगे मशीनरी वॉज परचेज एज अ कॉस्ट ऑफ 750,000 डॉलर्स, तो ये हमारी परचेज है। तो मशीनरी खरीदी है, कैश गया होगा तो ये नेगेटिव आ गया। इसके अलावा और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है नहीं हमारे पास, तो हमने इसका टोटल कर दिया, ठीक हो गया। जितने भी हमारे स्टॉक इशुएंस होते हैं या डिविडेंड्स देने होते हैं, इस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस हमने जो है डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं एंड पेड, ठीक है, जो कि हमारे कितने 2 लाख डॉलर्स के, तो यहाँ पे ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स आ गई। पेमेंट है, जा रहा है पैसा, दिस इज वाई इट इज नेगेटिव, और एंड में हमने टोटल कर दिया, ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया, इसको इसको और इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो है ओपनिंग बैलेंस कैश का जो है वो गिवन था, ये रहा 2009 का, जो क्लोजिंग बैलेंस है ऑब्वियसली वो यहाँ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था 130, और जब हमने इसमें इसको ऐड किया तो हमारे पास 2010 का क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ रहा है। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मतलब ये तो एक साल की हमने जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बना ली। मैंने शायद क्लास में भी जिक्र किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जो कि मल्टीपल ईयर्स की होती है, यूजुअली 5 ईयर्स की, और कंपनी की जब तुम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे जो बड़ी कंपनीज हैं, तो तुम्हें अमूमन ये तो मिलनी मिलनी है 2 साल की जो कंपैरिजन है इसी तरीके से 9 और 10 का, बट इन डिटेल 5 साल की भी दी होती हैं। तो लेट मी शो यू वन, ये मैंने एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया था, एक सबमिशन थी मुखलिस के हवाले से, तो उसके लिए ये एक हाइपोथेटिकल केस वो था, तो उसके लिए आई हैड टू सबमिट दिस डाटा। तो ये एक मॉडल बनाया था, ये इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, 5 सालों की, 19, 20, 21, 22, 23, तो ये 5 सालों की आपकी इनकम स्टेटमेंट जो है ये आ गई। टिपिकली मतलब यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इट, तो वही हेड्स हैं सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन आ गया, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिफ्ट डाउन कर दिए, सैलरीज एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, एप्रिसिएशन, मार्केटिंग, रेंट, यूटिलिटी, ट्रैवलिंग और कन्वीनियंस, फ्रेट आउट, ट्रेनिंग, मिसलिनियस, ईबीटी वी हैव डिस्कस, इनकम बिफोर टैक्सेस, फिर टैक्सेस आ जाते हैं आपके, अगर यहाँ पे कोई लोन लिया गया होता इस पूरे मॉडल के अंदर तो ईबीआईटी पहले आती, फिर इंटरेस्ट माइनस होता, देन ईबीटी आती, देन टैक्सेस आते, देन नेट इनकम आती, और फिर उसके बाद रिटेन अर्निंग का मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा आगे की जो ये है क्लोजिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस, ये एडजस्टमेंट कैसे हो रही है मॉडल में, तो ये अभी फ़िलहाल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट द आइडिया वॉज टू गिव एन आइडिया, सॉरी द पर्पज वॉज टू गिव यू एन आइडिया कि 5 साल या 6 साल या 10 साल, यूजली 5 साल की मांगी जाती है, और स्टेटमेंट में भी आपको 5 साल तक की ही मिलेगी, वो किस तरह बनती है। तो इनकम स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ी है, रेशियो एनालिसिस अभी फ़िलहाल तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे, बैलेंस शीट देख लो, ये बैलेंस शीट है, ठीक है आपकी, ये हमें टेम्पलेट दिया गया था, तो उस मतलब यानी कि एक पैटर्न दिया गया था कि फिक्स एसेट्स पहले शो करवाने थे, यूजुअली जो है करंट एसेट्स पहले होते हैं, तो खैर तो करंट एसेट्स देन फिक्स एसेट्स आपके आ जाएंगे, और इक्विटी, रिटेन अर्निंग, ये सारे अकाउंट्स आ गए, लाइबिलिटीज़ का आ गया अकाउंट, ठीक है, वही है सिंपल, बट ये है कि कंप्रेस्ड 5 साल की आपके पास बैलेंस शीट आ गई, और ये रही आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये इनकम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी आपके रिसीवेबल, इन्वेंट्री, जो करंट आपके अकाउंट्स चल रहे होते हैं, पेबल्स और रिसीवेबल्स, वो सारे इधर आ जाते हैं। देन कम्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिक्स एसेट हो गए, वही प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, कैपिटल चेंजेस कि आपने इन्वेस्ट किया है, डिविडेंड्स दिए हैं एंड ऑल, और ये सारी चीज़ें। तो ये बस एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने दिखाया है,
कि 5 साल की स्टेटमेंट किस तरीके की दिखती है, किस तरीके की बनती है। रूल्स आर सेम, जिस तरीके से वहाँ पे 2 साल का हम कंपैरिजन कर रहे थे पिछले में से उसको माइनस किया हुआ था, तो वैसे ही यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो पिछले वाले से माइनस होता जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट अकाउंट्स है तो ये वहाँ से पूरा लिंकअप हुआ हुआ बेसिकली मॉडल। तो दिस इज इट, बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी अबाउट द सब्जेक्ट, अदर देन सब्जेक्ट भी हो तो यूजुअली मेरी कोशिश होती है कि आई ट्राई टू एंटरटेन, बट कभी नहीं भी कर पाता ड्यू टू इफ इफ आई एम स्टक इन टू समथिंग एल्स। तो ये है जी, जजाकअल्लाह।